गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बिहारी स्टाइल में बेसन की सब्जी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आइए तो देखते हैं, बनाते हैं बेसन की सब्जी। बेसन की सब्जी के लिए मैंने एक पाव बेसन लिया है। इसमें मैं एक चम्मच नमक डालूंगी। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी मैंने अजवाइन लिया है, इसको क्रश करके डालेंगे। वन पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसका डो तैयार करेंगे। जैसा आटे का लगाते हैं उसे थोड़ा टाइट डो लगाएंगे इसमें। सो गाइस, हमारा डो ये तैयार होने वाला है। इसको दो मिनट और हल्का सा मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी के छींटे और डालेंगे। गाइस, हमारा डो ये रेडी हो गया। इसको ना रोल करेंगे हम। गट्टू को उबालने के लिए मैं इतने पानी चढ़ा देती हूँ। गैस ऑन करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी को उबलने देते हैं, इतने मैं अपने गट्टे तैयार कर लूँगी। डो के हमने सारे रोल बना लिए, अब मैं इसको कट करूँगी। इसको पानी गर्म हो रहा है, इसको गर्म पानी जब मेरा उबल जाएगा तो उसमें मैं इसको डालूंगी। गैस पानी हमारा उबल चुका, मैं इसमें गट्टे डालूंगी। गट्टे को जब तक ये ऊपर ना आ जाए तब तक इसको पकाएंगे। गट्टे इतने उबल रहे, इतने में ग्रेवी के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे गट्टे उबल के ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। गट्टे हमारे ठंडे हो रहे हैं, इतने में प्याज की ग्रेवी तैयार करूंगी। पहले मैं कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें बेलीफ डालूंगी। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा आधा भून चुका है, अब मैं इस स्टेज स्टेज में अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालूंगी। पाँच मिनट तक और भूनेंगे। इधर गट्टे हमारे ठंडे हो गए, मैं इसको फ्राई करूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब मैं इसमें गट्टे फ्राई करूंगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गट्टे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। बस हल्का सा, इसी तरह से हम सारे गट्टे तल के तैयार करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। मैं एक चम्मच भर के नमक डालूंगी, हल्दी पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच। मसालों को भूनेंगे। मसाले हमारे भून गए हैं, मैं इसमें ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा करने के लिए मैं इसमें दो चम्मच बेसन डालूंगी। इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें गट्टे वाला पानी डालूंगी। गैस ग्रेवी हमारी उबल चुकी है, अब मैं इसमें गट्टे डालूंगी।
दुपट्टे हमने फ्राई करके तैयार किए थे, दुपट्टे डाल दिए। गट्टों के साथ इसे 5 मिनट और उबलने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसमें एक फाइनल तड़का लगाऊंगी, गैस को ऑफ करेंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है, 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी, गैस को बंद करेंगे। बिहारी स्टाइल में बेसन की सब्जी बनके तैयार है। अब मैं इसको बॉल में निकालूंगी। हमारी गर्मा गर्म बेसन की सब्जी बनके तैयार है। इसको आप रोटी या चावल किसी के साथ खा सकते हो, ये काफ़ी टेस्टी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।